अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। आज बेलगाम शहर के आरसी रीजनल कमिश्नर ऑफिस में वबोर्ड चुनाव हो रहे हैं और वबोर्ड चुनाव को लेकर यहां पर सरगर्मियां देखी जा रही है। पूरी ज़िले के या बेलगाम, गुलबर्गा, बीजापुर डिवीज़न के लोग यहां पर वोटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुल 347 वोट हैं, जिसमें अगर बेलगाम ज़िले की बात कही जाए तो 59 वोट बेलगाम ज़िले का है। बेलगाम शहर में 6 वोट हैं, लिहाजा 3 कैंडिडेट उमूमन जिनका तस्करा हो रहा है, जिसमें अनवर पाशा है और फिर सज्जादा नशीन, मोहम्मद अली अल हुसैन, फिर एक सरवर बेग भी है। लिहाजा लेकिन यह जो मुकाबला है वो दो के दरमियान ही है। और अगर कुल वोटर्स की तादाद बताई जाए 1049 वोट हैं बेलगाम डिवीज़न के, 347, गुलबर्गा के 241, मैसूर 205 और बेंगलोर 256, इस तरह से वोटिंग हुई है। लिहाजा वोटिंग के लिए यहाँ पर लोग कसीर तादाद में, आप देख सकते हैं पूरी तरफ, जमात के मुतवलियान सदर यानी कि एक शख्स 2 वोट डाल सकता है, तो इस तरह से वोटिंग होनी है। अगर एक शख्स को ही अगर ज़्यादा वोट होते हैं तो वो शख्स जो है वो उम्मीदवार चेयरमैन के तौर पर मुंतखब किया जाएगा। और वोटिंग अभी भी जारी है, लोगों को बाहर से लाया गया है, दूसरे दिगर शहरों से जो जो लोग आए हुए हैं उनका रहने खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया है। पर जो है कसीर तादाद के जो लोग जमा हैं और गुलबर्गा बीजापुर से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, वोटर्स आए हुए हैं। आइए हम आवाम के दरमियान जाते हैं, वोटर्स के दरमियान जाते हैं, उनकी क्या राय है इस पर भी हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ सज्जादा नशीन मोहम्मद अली अल हुसैनी के भाई मुर्तजा अल हुसैनी यहाँ पर मौजूद है। सर, आप यहाँ पर 2 दिन से कायम पज़ीर हैं, फिलहाल वोटिंग किस तरह से चल रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वोटिंग एक तो अच्छी रही, अब बकाया सब तो रिजल्ट के दिन ही मालूम है। हमारे लोगों का साथ नज़र आ रहा है जी। नहीं, बीजापुर गुलबर्गा से बहुत सारा ज़्यादा वोटर्स यहाँ पर आए हुए हैं, खासकर अगर नॉर्थ कर्नाटक की बात की जाए तो मोहम्मद अली अल हुसैनी के फेवर में जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि हमने भी आवाम की राय जानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह दिख तो रहा है कि फेवर में आ रहा है। नहीं, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है कि लोगों से ये सुनने में ये ज़रूर आ रहा है कि वक्फ बोर्ड में एक तजुर्बेकार और एक एजुकेटेड इंसान की ज़रूरत थी, और आज वक्फ बोर्ड के मेंबरशिप के लिए सज्जादा नशीन साहब आए हैं। लोग उनको पसंद कर रहे हैं और खुश है कि आज एक कोई ऐसा ज़िम्मेदार शख्स वक्फ बोर्ड में आ रहा है। यहाँ आज नहीं आए कैंडिडेट, उनका खुद का भी एक वोट होता है मुतवली के हैसियत से, तो वो गुलबर्गा में अपना खुद भी वोट डालने के लिए गुलबर्गा में है। वबोर्ड को लेकर भी इस तरह की सरगर्मियाँ रहती है, ये तो हमने सुना था पहली बार बेलगाम शहर में। हमारे साथ तौफीक मोमिन भाई भी हैं यहाँ पर, वो यानी कि सामाजिक खदमतगार भी है और सोशल इसमें भी वो सरगर्म रहते हैं। आज के इलेक्शन के बारे में बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुलबर्गा सज्जादा साहब का बहुत अच्छा चल रहा है, माशाल्लाह सब लोग उनके मोहब्बत में, सब लोग आ रहे हैं, खुद आके बहुत मोहब्बत से उनके लिए कर रहे, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है और हाफिज़ कुरान है। हमारे वफ के जायजात जो अभी जो इश्यूज़ चल रहे हैं, लेटेस्ट जो इश्यूज़ है, जो हॉट है, उसके सेटरेट करने वाले तो बोल दो तो ये से काबिल है, इंसान काबिल है, अल्लाह वाले है। और इन्हें थोड़ा जाने की वजह से, इन्हें अगर इलेक्ट हुए तो इन्हें जाने की वजह से थोड़ा हमारे कौम का, हमारे स्टेट में, कर्नाटक का स्टेट में वफ का थोड़ा हमारा अच्छा इदारों का अच्छा फायदा होगा बोल के हमारे किए है। और वोटिंग के लिए मखसूस कैंडिडेट को वोटिंग करने के लिए कह रहे हैं, इस तरह का इल्ज़ाम सज्जादा नशीन के भाई मुर्तजा अल हुसैनी की जानिब से किया जा रहा है। और वो
किसी तरह से उन्हें बाहर निकाला जाए इस तरह की बात करें कि डेढ़ दो घंटे होने को आया, वो अंदर बैठे हैं, इस तरह की वो बात कही जा रही है, पुलिस से बहस हो रही है। पूरे कर्नाटक स्टेट में वक्त मुतली इलेक्शन चल रहा है, दो उम्मीदवार को हमको चुनना है। अब हमको ये डिसाइड करना है कि दी बेस्ट कौन है, छः में दी बेस्ट कौन है, वो हिसाब से हम लोग अभी कैनवस भी किए हैं, अभी इलेक्शन भी हमें करा रहे हैं। अभी पूरा हमारे सज्जाद नशीन जो हैं गुलबर्गा शरीफ के मोहम्मद अली हुसैनी जो है, उनके कॉम्पिटिशन में कोई दिख रहा नहीं हमको, फिर भी हमने नंबर एक पे जो है छः नंबर पे एक नंबर डाला के इलेक्शन हम लोग को वोटिंग करा रहे हैं। दूसरा जो वोट है करने के लिए उनके लिए छोड़ दिया गया है, वो खुद किसी को करते करने दो, हमारी दरख्वास्त है एक सिंगल करने। लेकिन जहां तक बात कही जा रही है कि जैसा एक नंबर अनवर पाशा हैं और उनको मिनिस्टर जमीर अहमद की हिमायत हासिल है, वो घूम फिर कर भी उनके लिए वोटिंग के लिए दरखास्त वगैरह कर रहे थे, वक्फ बोर्ड के तारीख में ये पहला मिनिस्टर है जमीर अहमद साहब जो वक्फ बोर्ड के मेंबरों के लिए हिमायत में इलेक्शन कर रहे हैं, कमेटी बना रहे, मीटिंग कर रहे, कैनवासिंग कर रहे, बहुत गलत बात है। मुतल्ली को आज़ादी दी जाए, वो खुद डिसाइड करेंगे दी बेस्ट कौन है। अभी जो चांसलर ऑफ गुलबर्गा के चांसलर रहे सज्जाद नशीन साहब, उनके सामने आप कौन सा बाकी के आलतू फालतू लग रहे हैं हमको। फर्स्ट वोट तो पहले आपको सज्जाद नशीन को दीजिए, हमारे ये छः नंबर को एक नंबर दीजिए, बाकी का आप सोचिए, अगर उनके मुकाबिल में सही है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, सिंगल ही कर दीजिए आप। लोगों में आवाम में इस तरह की भी बात कही जा रही है कि जब वह बोर्ड ही निशाने पर है तो आप चुनाव के लिए इतनी सरगर्मी है और इतना हंगामा मचाने की क्या जरूरत है, आपके पास वह बोर्ड रहेगा नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसा चुनौती नहीं है वक्फ बोर्ड के लिए, चुनौती नहीं है ये तो, चुनौती है नहीं, ये एक बार वक्फ हो गया तो उसको यू कांट चेंज इट, देयर इज अ लॉ सुप्रीम कोर्ट में है कि वंस ए प्रॉपर्टी एनीथिंग इज रजिस्टर्ड एज अ वक्फ यू शुड नॉट चेंज इट। लेकिन सत्ता में बैठने वाले सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानते, आप उससे उम्मीद क्या कर सकते। अभी कमेटी आप सामने, आपके पास दो इलेक्शन चल रहे हैं महाराष्ट्र, दो इलेक्शन के बाद देखिए कि वो बीजेपी गवर्नमेंट जो रहती है जाती है, हमारे हिसाब से वो दो महीने में जाने वाली है ऐसा लग रहा है, तो पूरी इंडिया गठबंधन में जब सरकार आएगी तो वक्फ कांस्टेंट रहेगा, वक्फ रहेगा इंशाल्लाह। नहीं, तमाम अगर चीजें देखी जाए तो निशाने पर मुसलमान ये है, हुकूमत सत्ता कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी की भी हो, लेकिन कटना तो मुसलमान को ही पड़ता है, और ऊपर योगी आदित्यनाथ कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं। धर्म संसद में मुसलमानों की नस्लकशी करने की बात खुले मंचों से की जा रही है, ऐसे वक्त में मुसलमानों को किस तरह से क्या मनसूबाबंदी होनी चाहिए? तुम्हें कितना भी मुसलमानों दबाओ उतना उभरेंगे आप, अब तुम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आज से 1400 साल से किया जा रहा है। नहीं, लेकिन कीमत भी तो चुकानी पड़ रही है। वो कीमत चुकाने तैयार बैठे ना, हम लोग पहले से कीमत चुकाते हैं ना, अभी नया क्या है, जंगे हर लीजिए, जंग बदल लीजिए, सब चुकाते आके बैठे हम लोग। अभी आज का मुसलमान कोई से मामले डरने वाला नहीं है, अपने दीन पर कायम है, कायम रहेगा। जैसा आप सोनूर साहब पूरी तरह से आप परिपक्व हैं, मैच्योर है, आप बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा तबका है, बहुत सारी चीज़ों से वो दूर है, उसके अपने जाति मसाइल ही के दरमियान वो मुलव्विस है, उसके लिए क्या रहेगा? मेरी राय है हर मोहल्ले में ये मस्जिद है, मस्जिद में इमाम होता है, इमाम की पूरी जिम्मेदारी है कि उनको तरबियत दी जाए कि हमारा क्या होना चाहिए, आज का बहलास का है, हमारा हिंदुस्तान का वक्फ बोर्ड का क्या चल रहा है, कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड में क्या चल रहा है, इसकी तालीमात जो है सिर्फ जुमा में जो हजार लोग जमते हैं वही इमाम की जिम्मेदारी है कि हमारे लोगों को सिखाया जाए। कल छत्तीसगढ़ में एक ऐलान वक्फ बोर्ड की जानिब से किया गया कि जुमा में बयानात भी जो है उसको पहला हुकूमत तय करेगी, फिर उसको इमाम को बात करना पड़ेगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अपोजिट बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर चीज है ना। फिर भी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि क्या ये बातें फिलहाल मायने रखती है, संविधान ही को बदलने की बात, संविधान को जलाने की बात की जाती है, जलाया भी गया सर इस पर। जलाना जलाया गया अलग है, मगर किसके पास ऐसी ताकत नहीं है इंडिया में, कोई भी रहे, इस संविधान को जलाना बंद करना चेंज भी नहीं हो सकता, चेंज करने भी नहीं देंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता तो कर ही रहे, नहीं नए नए कानून जो ला रहे हैं वो संविधान में तब्दीली तो है। अभी देखिए दो चार महीने में देखिए मोदी जी वापस चला जाएगा फॉरेन को। अभी परसों में हमारे राहुल गांधी जी ने दिखाया ना सेफ,
ठीक है ना सर, उसमें डाल के रखा है, बंद करके लेके चला जाएगा वो। वब्बर चुनाव के बारे में बताइए। देखिए आज हमारे सूबे में और मुल्क में बहुत ही वक्त के बारे में, जिस तरह माजी में ये मरकजी हुकूमत सूबाई हुकूमत CAA के बारे में धांधली उठाए थे और उसके बाद मदारिस के बारे में, उसके बाद UP में कोई गुनाह करा तो उनका घर ही गिरा देना, बुलडोजर लगा देना, इस तरह हमारी कौम के ऊपर ये 10-12 साल में बहुत ही जुल्म ज़्यादती हो रही है। अब ये वक्त जो है 1913 में कानून बना है, 1954 में मरहूम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब वक्त के मिनिस्टर थे और ख़ास करके तालीमी एजुकेशनल मिनिस्टर थे, उन्होंने सर्वे कराया पूरे इंडिया का है और उसके बाद कानून को तकवीत दी, कानून बनाए, तब से चल रहा है। कभी कभी वक्तन फ़ौक्तन छोड़े अमेंडमेंट होते रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान का दस्तूर 112 मरतबा तरमीम हुआ है, इसलिए तरमीम होने वाली कोई किताब है तो कुरान शरीफ है, उसे जेर भी नहीं पटा सकते, पेश भी नहीं, ये भी नहीं, इसलिए ये कानून है। अब ये धांधली मचाई, 50 साल पहले इनफरादी तौर पर इंडिविजुअल इनकी इनकम क्या थी, इनकी जायदाद कितनी थी, आज कितने, वो सर्वे होना। कल ही एक जगह में मीटिंग करते समय बोले कि तुम्हारी जायदाद बहुत बड़ी। हाँ सही है, आज़ादी लेके 1947 में आज़ाद होते वक्त है हमारी आबादी, टोटल आबादी 40 करोड़ थी, अब 140 करोड़ हुई है। की हुई वो हाँ, अब हमारी जायदाद भी बड़ी है इंफ्रादी तौर पर, अब उसी तरह अवकाफ की भी बड़ी है, उनके भी बहुत बड़े हैं। मैं अब मुंह खोला कर बोले तो मुंह खोलने भी नहीं दे रहे हम ना, उनके यहाँ दान है, हमारे यहाँ वक्फ है, हमें वक्फ बोलते हैं अरबी में, उन्हों दान बोलते हैं संस्कृत में, उनको भी बहुत सारे बेचारे दानी लोग दिए हैं, हमने भी दिए हैं। थोड़े ये ज़मीनात के बारे में हुआ कि 4 कवानीन बने, टेनेंसी एक्ट बना, लैंड रिफॉर्म्स बना, उसके बाद इनाम अबॉलिशन हुआ, इस तरह से थोड़ा सा अगर एंट्री है उसकी इंक्वायरी करो, नहीं है तो काटो, बोलें CM साहब बोलें मैं इंक्वायरी करता हूँ, काट तू स्टॉप कराए, एकदम इलेक्शन आए सिस्टम वाविला मचा देने का, एकदम तूफान लाने का, उसकी इंक्वायरी नहीं। अभी मैं एक गाड़ी लेता हूँ, बाद में बेचता हूँ आपको, बोलता हूँ देखो साहब मेरा नाम कम करा ले तुम मेरे को, वो पेपर में साइन कर देता हूँ, तुम्हें ना दिया आज करेंगे कल करेंगे, बात छोड़ते हैं, बेचने गए तो ये नाम कम करो जी कहते हैं। खेता में बैंक में लोन लेते हैं 1,00,000 रुपये, 50,000 रुपये, 10,000 रुपये, वो 10,000 रुपये नहीं तुम्हें कम करे तो वही पेंडिंग रहा तो उनके तहसीलदार तुम्हारे घर को आएगा, हमें जाकर बोलना है, वो पहुँची बताना बैंक की हमें पूरे पैसे भरें, ये एंट्री कम करो साहब कर दो, इसमें भी कुछ भी है। अब इनाम एबोल्यूशन वक्त में क्या हो गया, मुजावरों को, मकानदारों को, काजी साहब को, मुल्ला साहब को, पहले ज़माने में इनाम दी गई, चाहे नवाब हो, चाहे सुल्तान हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, वो ज़माने में हमारे ये नहीं थे, हाफिज़ हम बरोबर नहीं थे, जाग देने वाले नहीं थे, लिंक नहीं था, इसलिए वो क्या करे तो लो भाई एक 5 एकड़ ज़मीन लो तुम इसके ऊपर करो, तो जा नहीं सके, किसी भी कोरपाल को देते थे, ये वो 50 थैले तो मुझे 25 दो तुम्हें 25 लो, इस तरह चलते रहा। इनाम एवोल्यूशन में बहुत सारे ज़मीनात गए, बाद में वो एंट्री ऐसे रहे, उनके भी उन्होंने लिए खरीद लिए थोड़े, वो एंट्री हैं उन बच्चे, इंक्वायरी कर को काटने के रहा तो काटेंगे, वो चुप के वावे निम्द ये मारा है नींद हेलबेकाद्र 6 वर्ष 600 वर्ष आड़ती माड़ीवी ले डेकनली इंडियादली 600 वर्ष माड़ीवी हाँ ना माड़ पूरा तवन बिड़ती पूरा लेते थे, लेकिन हमें ना इंसाफी नहीं करते, किसका भी गैर नहीं खाते, हमना हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता, यानी मेहनत करो बोलते हैं, पसीना टपका बोलते हैं, अगर एंट्री भरो ना तो गवर्नमेंट तहकीक करेंगे,
किसी कमीशन अपॉइंट करेंगे या नहीं तो डीसी को बोलेंगे इंक्वायरी करो, नहीं रहा तो काटो। इसलिए ये इलेक्शन कानूनी तौर पर 5 साल को एक मरतबा होता है, हो रहा है। अच्छा काम करने वाले को वोट मांग रहे हैं, मांगना तुम्हें भी ठहर सकते हैं, मैं भी ठहर सकता हूँ, भाई साहब भी ठहर सकते हैं, ठहरने के इनकार सबको है, अल्लाह जिसे चाहता है, लोग किसे चाहते हैं चुन के आते हैं। लेकिन हमारे पास वक्त होना, खिदमत करने को जाने को आने को वक्त होना, तो ऐसे लोगों की भी मदद करो पर बोलने की मेरी गुजारिश। आज कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए मुतवल्ले, दो मुतवल्लियों के लिए इलेक्शन हुआ है, उसमें 7 कैंडिडेट थे और 2 को चुन सकते हैं। अच्छी तरह से पूरे डिवीज़न के, बेलगाम जिला, बीजापुर जिला, हुबली धारवाड़, हवेरी, बागलकोट, ये सभी तरफ के मुतवल्लियान आके आज यहाँ पे वोटिंग किया है और 95% के ऊपर वोटिंग हो चुकी है। यहाँ पे हम यही चाहते हैं कि जो खिदमत करने वाले हैं कौम के लिए और वोट के लिए, वो चुन के आए और अपना अच्छा काम करें। सब मिलके आज के हालात जो चल रही है, जो वफ का हमारा एक्ट भी बदलने की जो कोशिश हो रही है, ये सब लोग मिलके, हम सब मिलके एक अच्छा नतीजा काढ़ के, अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे के ये बिल ना पास हो और जैसे पूरे वतन के वक्फ बोर्ड चल रहे हैं उस तरह आगे भी चलते जाए और सब मिलकर यही कोशिश रहे कि वक्फ का जो प्रॉपर्टी होती है ये कोई वाकिफ दिया रहता है अल्लाह के नाम पे और इसका जो उसका इरादा होता है जो अपनी प्रॉपर्टी दे के एक अच्छे हाथ में जाए और ये प्रॉपर्टी सदियों तक इस्तेमाल हो, वही चलता रहे, वही हमारी ख्वाहिश है और वही हमारी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़कीर मंजूर अहमद रिज़वी मिसबाही, काज़ी अशरा शहर बेलगाम व ज़िला बेलगाम। आज रियासती लेवल के औकाफ़ी इदारों के लिए इलेक्शन का मोमेंट चल रहा है, उस मंज़र को देखने के लिए फ़कीर हाज़िर हुआ। देखकर दिलो दिमाग को इंतहाई खुशी और मसरत हासिल हुई कि जो हमारी उम्मीदें थी कि वक्फी अदारा खालिस मुसलमानों का एक मजहबी दीनी अदारा है और इदारे का रुकन या सदर बनने का मकसद सिवाय दीनी खिदमात, कौमी, मिल्ली और मजहबी खिदमात का और कुछ नहीं है। जाहिर है कि इस तरह के अजीम जिम्मेदारी और मनसब के लिए उसी तरह के अफराद का चुनना ज़रूरी है और मेरी निगाह में मुख्तलिफ अफराद का जायज़ा लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इलेक्शन में 6ठे नंबर के उम्मीदवार ग्रामी वक़ार मखदूम मुकर्रम हजरत सैदना शाह सैयद अली अल हुसैनी सजादा नशी बारगाह है ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज शहनशाह दकन, उनसे बढ़कर और दूसरी कोई शख्सियत नहीं हो सकती, इसलिए कि खुद उनकी इल्मी सलाहियत, जाती काबिलियत और आबा वाजदाद से मिली वरासती दौलत हमारी निगाहों के सामने है और इनके आबा वाजदाद ने हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की खिदमत सारी दुनिया में जाहिर व बाहिर है। आपके वालिद मोहतरम हजरत अल्लामा शेखुल मशाइख डॉक्टर सैयद खुसरू हुसैनी अली रहमा की खिदमत जग जाहिर है और आपके वालिद के बाद आज मसनद सज्जादगी पर यकीनन उन्होंने
अपने सही जानशीन हजरत सैयद अली हुसैनी का इंतखाब किया और इनसे अहले सुन्नत को, कौम को, मजहब व मिल्लत को, रियासत को काफ़ी उम्मीदें वाबिस्ता हैं। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वक्फ बोर्ड जैसे ज़िम्मेदार इदारे में ऐसे लोगों का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आज मुख्तलिफ इलाक़ों से आए हुए उलमा, मशाइख और अवाम को देखकर बड़ी खुशी हुई सादात को कि बस हर एक की ज़बान पर एक ही नारा है, अली बाबा, हजरत, हुजूर, साहिब सज्जादा, उनके अलावा और कोई नारा नहीं है। बड़ी दिली मसरत हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़बरदस्त कामयाबी से साहिब को हमकिनार फरमाए ताकि हमारा वक्फ बोर्ड मुस्तहकम और मजबूत रहे और महफूज भी रहे और अपने अगराज व मकासिद में ये बोर्ड आगे बढ़ सके। वमा अलैना इल्लल फलाह। हमारे साथ मुशरिफ साहब भी मौजूद हैं, सियासत का एक बड़ा चेहरा। सर, आप अभी अंदर भी थे तो उसे लेकर बाहर हंगामा भी किया जा रहा था, इस पर बताइए। मैं वोट माने गया था जी। मेरा वोट है, मैं मुतवल्ली हूँ, मेरा वोट माने गया था। वो क्या पुकारा पुकारी बोला बोली होती उसे, क्या चुनाव के बारे में बताइए। वब के बारे में मैं अनवर पाशा को फर्स्ट वोट, सेकंड वोट, सर्वर पे खुद ही हमें। और हमारे बीजापुर के तमाम मुतवल्ले आए थे, सब भी मिला के हमें वोट करें।